राम राम भाई सर है, मेरा नाम आदित्य केला और आप देख रहे हो फ्लाइज का चैनल। और भाई ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है आज के टाइम, आप सभी ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह सभी जगह एक आंटी जी है जो बहुत वायरल हो रखी है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई आप भी सुनोगे ना तो गुस्सा तो आएगा यार उस चीज़ को लेके कि यार हमारा देश कुछ तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिसको बोलते हैं कौन से एक वर्ड होता है भाई, बाहर थोड़ी यार नॉइज आ रही है मेरे को पता है, लेकिन हो सके ना तो उसको अवॉइड कर देना यार। आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, गांव में आऊँ मैं तो भाई थोड़ा हो जाता है, एडजस्ट कर लेना यार। तो कुछ वो बोलते हैं ना ऐसा असामाजिक तत्व होते हैं वो, उस टाइप से आंटी ने कुछ बोला है। देखो आंटी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि एक लड़की हो गई लड़की के लिए देना बहुत ही गलत है। एक्चुअली भाई देखो आंटी ने बोला कि अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो उनका रेप होगा ही, वो लड़कों को उत्तेजित करते हैं। ठीक है भाई, उनके कपड़े, उनकी बॉडी, चाहे वो कुछ भी पहने, आपको इससे क्या मतलब है यार? आप अपने हिसाब से जियो ना, आप कौन होते हो जो अगले बंदे उनको जज करने वाले? भाई सबकी मेंटेलिटी अलग होती है यार, आपको नहीं पहनने मत पहनो, उनको पहनने वो उनको खुशी मिलती है तो वो पहनेंगे ना भाई। तो थोड़ा यार इस चीज़ के बारे में सोचो कि अगर देश आगे जा रहा है हमें उसके साथ आगे जाना चाहिए, ना कि हमें उसको खींच के और पीछे लेके आना चाहिए। जो मेंटेलिटी होती है भाई इसको चेंज करो यार। और वो जो वीडियो आपने नहीं देखी है ना तो अभी वीडियो में आगे चल के देख लो कि क्या बात है उस वीडियो में, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो भाई जो भी ये चीज़ है गलत है मत करो, बस इतना ही बोलूँगा यार। बाकी आप सभी समझदार हो, देश का भविष्य हो, तो थोड़े इन चीज़ों के बारे में सोचो यार कि क्या बोल रहे हो गलत है। एक वही बात, लड़कियों के लड़की के लिए बोलना गलत है, जो रेप वगैरह होती है वो बात अलग है यार। उन काम वही बात है, छोटे बच्चों का भी रेप होता है, बूढ़ों का भी रेप होता है करने वाले, तो उनकी मेंटेलिटी अलग होती है उन लोगों की। लेकिन ये चीज़ गलत है ना कि भाई अगर छोटे कपड़े पहनते तो लड़कों को उत्तेजित करती हैं। तो भाई यार वही बात, मेंटेलिटी का फ़र्क होता है, थोड़ी यार सोच बदलो यार। और बाकी अभी आप ये वीडियो देख लो। Right now, I don't want to talk to you. No. I would like for you to repeat exactly what you said without using what small amount of brain capacity you hold. As a woman who should be supporting other women, has the audacity to say such disgusting, vulgar things, tell the men in the same room to rape women. Right. Really? Right. No, what happened to you now? Excuse me, what happened to you now? You wanted to have a discussion and tell me something about the length of my dress, right? You don't want to talk now. No, you wanted to talk about the length of my dress, right? What happened to it now? Where is the lecture now? I should get raped. That's what you told me, right? You do realize that I'm going to take footage from that restaurant and produce it as proof. You do realize that, right? उसको छोड़ दीजिए. Excuse me. One second. बैठ भैया, आप करोगे? I'll call the police right now. Please, you have the footage. We can also do that. आप करेंगे? You apologize right now. My mobile. You apologize right now. Apologize right now. आपको भी बता देंगे कि मेरे को रेप कर दो, आपको भी यही बोलेंगे। You will apologize to me right now. Apologize right now. How dare they? इधर आओ। Excuse me. Apologize right now. Do you hear me? आपके लिए भी ऐसे बोल देंगे। Apologize right now. Apologize right now. I will make your life a living hell if you don't apologize. I promise you that. I will make you viral. Please, I will make you viral. Apologize. Right now. You have 100% right to make my life hell. Go ahead. Say your words again. What did you say? I will not say. You will not say. I have. Don't worry. I have your footage. You have the option right now. You have the option right now to apologize for the words that you chose.
you can apologize right now, or I will make sure that you go viral tonight. I will make sure that happens. You are currently on social media going live. Apologize. Can you please repeat the words you said, Nukkad wala pe? At least don't apologize. Say the word. Oh, why? Are you ashamed? You have are you ashamed? We have to go here. We don't need a manager. We don't need a manager. Can you? हमें भी नहीं पता था कि आप नुक्कड़ वाला फेस से आ जाएंगे. मैम, it's okay, but you are fighting. Ma'am, first of all, I'm so sorry to interfere in this matter. I am a mother of two daughters. I don't mind my daughter wearing a swimming costume and walking on the street. You don't have any right to say anything about the girls wearing it. I'm so sorry. Please about can it. You have to say sorry to her for commending it. I'm so sorry for that. Being a mother, I would never say if you see the picture of my daughter, she wears dresses like this. But if anybody says like that, they are just being very formal with you. They are just being very genuine with you. मुंह से बात कर रहे अगर मैं होती तो आपके हाथ से बात करती. I would really appreciate. Thank you. Being a lady, I'm telling you, you are encouraging the male outside. I'm sorry about it. I'm sorry. Okay, to say, now you have to say. 1 minute. You wait. You have to say like this to her. Sorry, ma'am, for saying that. I'm sorry to say. You have to say like this to her. If you have said like this to her, I'm sorry that. At the moment, you have to say. Otherwise, this has to be called to the police now. Yes. Honestly, and I mean, so and just to mention, honestly, we also have the CCTV footage. If you want to get this rafa dafa from here, all you of that has been captured in CCTV. So you please have don't deny so that. So I'm sorry. This is. Okay. I'm sorry. This is about. Kya ho jayega? No, ma'am. Just a moment. At this moment, this is one to one, mother to mother. Haan, okay. आप इसने हाथ जोड़ के बस माफी मांग लो और आप चले जाओ. Nothing will happen to you now. मैं क्या करूँगी तेरे साथ? आपने. You won't say. It's okay guys. If you have commented this to a girl, I'm sorry. If you are a mother of a girl child, if your child gets raped like this, what will happen to you? Do you know what the feeling of rape is? So they should wear proper dress. She will wear like this and that's what will happen to you. The mentality of people. You don't have any right to say anything about her. Are you sure that this is her? I'm fucking sure about it. Whether what the girl is wearing, it's her right. It's her right. Okay. She has a right to wear whatever damn thing she wants to wear. Okay. You don't have any comment. Is she your daughter? No. Then just zip your mouth. You have to say sorry to her. Okay. You, none of the person over here has a right to say anything about what she wears. I'm sorry. You, it's your wish whether you apologize or not. It has to be captured now and you will be called to the police. This is now become the right of a girl, not a woman. Nothing. This is what a right of a girl in India. In India. Whatever they want to wear, they can. They can. It's their right. So why would you say rape the girl? Is she forcing you to wear a bikini? Has she asked you to wear a bikini? No. Is it a forcing subject to wear? No, why are you forcing her to wear whatever she wants to wear? Okay, let her flaunt. She has a body to flaunt. You don't have a body to flaunt. Yeah. One more question. पहनती है जो बुर्का पहनती है, दो दो साल के बच्चियों का रेप नहीं होता. क्यों होता है? क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनती. आपको आपकी बच्चों का रेप क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नंगी पैदा होती है. दो साल की बच्चियों का रेप क्यों? औरतों की बात कर रहे हैं. 80 साल की बुढ़ियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि वो साड़ियाँ पहनती हैं. वो साइकिक है. किसी भी लड़के से पूछ लो अभी इस जगह पे किसकी गलती है. आप लड़कों से पूछो, लड़कियों को तो मारो गोली. सारी लड़कियों से पूछो इस टाइम पे किसकी गलती है. जो 80 साल के आप 80 साल को मारो, आप 80 साल के बच्चे को रेप करते हैं. आपकी तरीके के मेंटालिटी वाले लोग हो गए. मुझे लगते है कि ये Doesn't matter. आप क्या कर रहे हैं? आपने वहाँ किया, वहाँ से तो आप भाग आई. चलिए बाहर.
कम 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 बाहर से बाहर लफड़ा करो इसका, बाहर बेइज्जती करो इसका, कपड़ों में ब्रेक करो। चलिए जो अगर नहीं नहीं अगर ऐसे बाहर चलो बाहर चलो प्लीज आपके स्टोर में आई एम सॉरी आई एम सॉरी बाहर चलिए अगर तो लेकिन तो कपड़ों में ब्रेक करो इनका You are recording, no? 1 minute. No, no. Hello. Hello, guys. This lady is want to wear short to short dress to encourage all to see that. Wow, very good. Thank you. And guys, this lady over here wants to wear girls' rape. Who do that? No, no. All the ladies wear the short dress or naked dress. You are challenged. Okay. Do you walk here? Come out. No, no, no. 1 minute. Hi, all. If you are the parents, please control the girls. Please control the girls. Control the girls. Control the girls for their behavior, for their dresses, and tamiz se baat karna. Auntie, auntie, yes. Okay. Thank you so much. And spread in shut up. Spread in the society. Spread in the all over India. Yeah. That your own speaking. I am okay. And now I'm calling the police for 4 of you. And this lady, move the camera. This lady, she is supporting this hard child. I'm always there. घुमाओ बिकिनी पहन के रास्ते से जाएंगे और कोई कुछ बोलेगा तो स्लैप करेंगे लेकिन आपकी जैसे तो रेप हो जाएगा मुझे डर लग रहा है क्या She is psychic.